Hello students, how are you? Today we are going to learn math standard 3rd. So students, आज हम देखने वाले हैं exploring additions. Okay, using place value to add. अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो 27 plus 3, इनकी place value करके add करेंगे. Okay, तो चलिए देखते हैं. तो students देखिए यहाँ पे है 27 plus 12 equal to question marks है. तो हम जो है कि 27 को किस तरह लिख सकते हैं? देखिए 20 plus 7, ओके, इस तरह हम 27 को लिख सकते हैं. देन 12 को हम 10 plus 2 इस तरह से लिख सकते हैं. ओके, तो चलिए 20 और 10 का पहले सभी क्या है? एडिशन में है, 20 plus 7 plus 10 plus 2. ओके ठीक है, इनका मीनिंग यही होता है. इसको मैंने 27 को 20 प्लस 7 लिखा है, प्लस का साइन, 12 को 10 प्लस 2 लिखा है. तो फर्स्ट यहां 20 और 10 की क्या करेंगे? एडिशंस करेंगे. ओके, बाद में 7 प्लस 2 की एडिशन, फिर देखेंगे 20 प्लस 10 होते हैं 30, 7 प्लस 2 होते हैं 9, तो 30 प्लस 9 करेंगे तो 39, यानी इसका आंसर क्या है हमारा? 39 आंसर आ गया है. तो हम इस तरह लिख सकते हैं. सो 27 प्लस 12 इक्वल टू 39. तो स्टूडेंट इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है. ओके, फर्स्टली जो है 27 को मैंने 20 प्लस 7 लिखा है, 12 को 10 प्लस 2 लिखा है उसकी प्लेस वैल्यू में, ठीक है. फिर 20 और 10 की एडिशन कर दी, देन 7 प्लस 2 की यहाँ पे लिख लिया. देन 20 प्लस 10 हो गए 30, 7 प्लस 2 हो गए 9, 30 प्लस बाद में 9 ऐड कर दिया तो 39 हो गए. यानी इनकी एडिशन डायरेक्टली नहीं लिखनी है आपको, प्लेस वैल्यू करके ऐड करना है. ओके, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है. अब हम देखेंगे काउंटिंग इन टेंस. अभी हम टेंस में इसको काउंट करेंगे, टेंस में इसके पार्ट्स करेंगे. 72 को मैंने वैसे के वैसे रख दिया. 25 को किस तरह से लिख सकते हैं? 10 प्लस 10 हो गए 20 प्लस 5, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. फिर बाद में क्या करेंगे, हम इन दोनों की एडिशन करेंगे. 27 प्लस 10 कर दिया 82 हो गए, फिर 10 वैसे के वैसे, फिर 5. ओके, देन देखिए फिर 82 प्लस 10 कर दिए, ये हो गए 92, और ये 5 जो है उसमें हम मिला देंगे. लास्ट में हमारा आंसर आ गया है 92 प्लस 5 इक्वल टू होते हैं 97, यानी आंसर है हमारा 97. सो हम इस तरह लिख सकते हैं 72 प्लस 25 इक्वल टू 97. ये भी इस तरह से आपको काउंटिंग इन टेंस में होगा तो 10-10 के ग्रुप करने हैं. ओके स्टूडेंट, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है. फिर से मैं बता दीजिए 72 प्लस 25 इक्वल टू जो है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है. 72 को मैंने वैसे के वैसे रख दिया, 25 को 10 प्लस 10 प्लस 5 में कन्वर्ट कर दिया. देन 72 प्लस 10 करते 82 हो गए. देन 10 प्लस 5 वैसे वैसे मैंने सेम नीचे लिख दिए. देन 82 प्लस 10 कर दिया तो 92 होते हैं. देन 5 फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया, 97 हो गए. सो उसका आंसर आया है 72 प्लस 25 इक्वल टू 97. इस तरह से आपको ये जो है कि यूजिंग प्लेस वैल्यू टू ऐड सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट जो पॉइंट है, मेकिंग सिंपलर नंबर्स. अभी हम क्या करेंगे, इसमें सिंपलर नंबर्स में इसकी एडिशन कर देंगे. ओके, तो देखिए इसको जो फर्स्ट में यहाँ पे स्क्वायर लिख लेती हूँ. टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स. तो अभी हम देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है दिया हुआ 48 है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिंपल एक नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, 27 को एक सिंपल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, फिर उनकी एडिशन कर देंगे. तो स्टूडेंट देखिए 48 में मैं अभी जो है कि 2 मिलाती हूँ, ठीक है. और अगर मैंने 48 में 2 मिला है तो 27 में से 2 माइनस कर देंगे. ये आपको याद रखना है, जितना नंबर आपने ऊपर मिला है उतना नीचे से कम करना है, तभी उसका जो है कि जो एडिशन आती है सेम आती है. क्योंकि माइनस प्लस 2 और माइनस 2 ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, यानी जो नंबर रहेंगे वही नंबर हमारे रहेंगे. तो चलिए देखते हैं सॉल्व करके. 48 में 2 मिलाएंगे तो हो जाते हैं 50, ठीक है. और 27 में से 2 अगर चले गए तो वहाँ पे होते हैं 25. तो चलिए अब हम इनके क्या करेंगे, एडिशंस करेंगे. 50 प्लस 25 है तो 0 प्लस 5 इक्वल टू 5, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7. हाँ, आंसर जो आया है 75 आया है. ऐसे हमने अगर देखा तो भी वही आंसर आता है. एक बार अगर आपने गलत कर दिया तो आप क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं.
48 जो है कि 8 प्लस 7 करोगे आप, यहाँ पे तो 5 आता है 15 और कैरी 1, 4 प्लस 2 और ए 1 जो है कि 6 होते हैं और ए 1 7, तो बराबर आपका आंसर दोनों क्या आ गया है, सेम आ गया। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है, बट ये आपको यहाँ सॉल्व नहीं करना है, इसमें कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। मैंने सिर्फ क्रॉस चेकिंग करते वक्त ये आपको कर दी थी, मैंने दोनों आंसर सेम आ गए थे, राइट है। फर्स्ट आपको इतना याद रखना है, जो नंबर आप ऊपर ऐड करते हो वही नंबर जो है कि सेकंड नंबर में से माइनस करना है, सेम नंबर पर माइनस करना है, दोनों इसमें ऐड नहीं करना है, नहीं तो हमारी जो एडिशन आएगी रॉन्ग आएगी। इस तरह से आपको ये सिंपलियर नंबर सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इस पे एक्सरसाइज डिपेंड्स है 2.1 देखेंगे। ये जो है आपको आपके क्लास वर्क में मैथमेटिक्स में सॉल्व करना है, इस तरह से आपको राइट डाउन करने, इसके फोटोज मुझे सेंड करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए एक्सरसाइज 2.1, ब्रेक अप द नंबर्स टू ऐड द फॉलोइंग। अभी हमें ऐड करने के लिए नंबर्स को ब्रेक करना है। ओके, यहाँ पे 34 प्लस 11 दिया है, तो स्टूडेंट्स फर्स्टली हम 34 को किस तरह से लिख सकते हैं, 30 प्लस 4, ओके, देन प्लस का साइन मैंने लिख लिया 11 को, 10 प्लस 1। अभी हमें ये सॉल्व करना है यहाँ पे आंसर लिखने के लिए। चलिए 30 की और 10 की हम यहाँ पे पहले ही लिख लेंगे, 10 यहाँ पे, देन 4 और लास्ट में बचा है 1, एक साथ मैंने लिख लिया। देन 30 प्लस 10 होते हैं 40, 4 प्लस 1 होते हैं 5, तो आंसर क्या आ गया 40 प्लस 5 45। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 34 प्लस 11 इक्वल टू 45, तो 45 आंसर हम यहाँ पे लिख लेंगे। इस तरह से आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। फर्स्टली जो है उसको 30 प्लस 4 लिखा मैंने, और इसको जो है कि 10 प्लस 1 लिखा है, ठीक है। तो 30 प्लस 10 इन दोनों को हमने साथ ले लिया यहाँ पे राइट डाउन करते वक्त, और 4 प्लस 1, ओके, देन 10 प्लस जो है कि 30 प्लस 10 ऐड कर दिए, हो गए 40, इनकी एडिशन कर दी, देन 4 प्लस 1 ऐड कर दिए तो हो गए 5, 40 प्लस 5 इक्वल टू होते हैं 45, सो 34 प्लस 11 इक्वल टू 45, नाउ आई राइट दिस नंबर हियर 45, आंसर क्या आ गया है 45। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे 13 प्लस 69, ओके, तो चलिए देखते हैं 13 को किस तरह से लिख सकते हैं, 10 प्लस 3, देन 69 को हम किस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 60 प्लस 9, ओके, इस तरह से आपको ये लिखना है। अभी हम नंबर जो है कि साथ में लिख लेंगे, 10 प्लस 60 यहाँ पे मैंने लिख लिया सिंगल नंबर बाजू में, तो देखिए 10 प्लस 60 करेंगे तो होते हैं 70, इन दोनों के एडिशन प्लस 3 प्लस 9 12, ओके, फिर हम दो इन दोनों के एडिशंस करेंगे, वो हमारा आंसर होता है, तो इसके एडिशंस आते हैं 82, तो आपको ये सॉल्व करना है, 82 उसका आंसर आता है, सो 13 प्लस 69 इक्वल टू 82, तो 82 जो हमारा आंसर आया हमें यहाँ पे, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें जो रिमेनिंग जो है बाकी की प्रॉब्लम्स होमवर्क में है आपको, तो होमवर्क में आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके नोटबुक में आपको राइट डाउन करना है। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, ऐड दिस बाय काउंटिंग इन टेंस। अभी हम इसे टेंस में कन्वर्ट करके ऐड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो 49 नंबर मैंने वैसे के वैसे रख दिया, 32 को किस तरह से लिख सकते स्टूडेंट्स, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 2, फिर से एक बार देखिए क्रॉस चेकिंग में 49 सेम बेसिक वैसे है, देन 30 को 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30 प्लस 2 यानी 32, राइट। अब हम इनके क्या करेंगे, एडिशंस करेंगे फर्स्टली इन दोनों की, ओके, तो यहाँ पे होते 59, फिर ए नंबर बाकी के वैसे की फिर से लिख देंगे, देन इन दोनों की एडिशन करेंगे, 59 प्लस 10 होते हैं 69, ठीक है, फिर 10 प्लस 2 वैसे की वैसे, देन इन दोनों के एडिशन करेंगे 79 प्लस 2, ठीक है, फिर इसकी जो एडिशन आती है हम यहाँ पे लिख लेंगे 81, यानी हमारा आंसर क्या आ गया है 81, तो हम यहाँ पे 81 लिखेंगे। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे लिखना है, सो 49 प्लस 32 इक्वल टू 81, ओके स्टूडेंट, इस तरह से आपको सॉल्व करना है, 10 में से कन्वर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम 55 प्लस 34 है, 55 मैंने
सेम वैसे के वैसे लिख दिया। देन 35 को हम 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 4 इस तरह से हम उसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ओके, देन इन दोनों के एडिशंस करेंगे, हो जाते 65। फिर बैलेंस जो बचा है सेम वैसे के वैसे लिखेंगे, 65 प्लस 10 करेंगे 75, प्लस 10 प्लस 4 देन 75 10 करेंगे ये होते 85 प्लस 4। ओके, फिर इनका जो आंसर्स आता है 85 प्लस जो 4 है ये होते 89। ठीक है, फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, सो 55 प्लस 34 इक्वल टू 89। इस तरह से आपको ये राइट डाउन करना है स्टूडेंट्स। बाकी ये जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है आपके नोटबुक में सॉल्व करने हैं, साथ में किताब में भी सॉल्व करने हैं सभी। तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, चेंज वन ऑफ द नंबर्स इनटू मल्टीपल्स ऑफ 10 एंड ऐड इट। अभी यहाँ पे जो है कि हमें चेंज करना है, तो स्टूडेंट्स देखिए इसको हम क्या करेंगे, अभी चेंज कन्वर्ट कर देंगे देन इसकी एडिशन करेंगे। यहाँ पे 26 प्लस 59 है, तो मैंने आपको बताया था जो नंबर हम यहाँ पे प्लस करेंगे वही नंबर नीचे से माइनस करना है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, इसे 10 यानी मल्टीपल में चेंज कर देंगे 26 में अगर हमने 4 मिला है स्टूडेंट्स तो होते हैं 30। तो हमने यहाँ पे 4 प्लस किए हैं तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, यानी 59 माइनस 4 कर देंगे तो यहाँ पे होते हैं 55। ओके, इस तरह से हम क्या करेंगे, अभी इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है 10 के प्लेस पे, देख सकते हो यहाँ पे 30 है, तो प्लस 4 किया था तो यहाँ मैंने माइनस 4 कर दिया है, यानी जो है कि हमारी एडिशन आएगी वो सेम आएगी। तो चलिए देखते हैं, 0 प्लस 5 इनकी एडिशन करेंगे, फिर 0 प्लस 5 इक्वल टू 5 और 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 होते हैं। ओके, इसमें इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, इसकी भी हम एडिशन कर सकते हैं, 6 प्लस 9 अगर करोगे तो ये तो 15, 5 कैरी 1, 2 प्लस 5 7 प्लस 1 कैरी जो रहता है 8, यानी हमारा दोनों आंसर सेम आ गया, यानी राइट है। अभी यहाँ पे 67 प्लस है 14। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, 70 करना है तो हमें यहाँ पे प्लस 3 कर देंगे, ये होते हैं 70, यहाँ पे प्लस 3 किए तो यहाँ पे माइनस 3 कर देंगे यानी कम कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे 11। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। चलिए इनकी एडिशन करते हैं, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, 7 प्लस 1 इक्वल टू 8 देन 7 प्लस 4 ये करेंगे हम, देखेंगे क्रॉस चेक इन, ये होते 11, तो ये आ गया 1 यहाँ पे कैरी 1, 6 प्लस 1 होते हैं 7 प्लस 1 8, यानी हमारा दोनों आंसर सेम ही। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट 58 प्लस 86 है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो प्लस 2 करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस 2 कर देंगे, यहाँ पे प्लस किया इसलिए यहाँ पे माइनस कर दिया मैंने। तो चलिए 58 को हमने प्लस 2 किए, 58 में 2 मिलाएंगे तो होते हैं 60, देन 86 में से हम माइनस 2 कर देंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे बचते हैं 84। तो इनके हम क्या करेंगे, अभी एडिशंस करेंगे, 0 प्लस 4 इक्वल टू 4, 6 प्लस 8 इक्वल टू 14 होते हैं। ओके, ये भी करके देखेंगे, 8 प्लस 6 इक्वल टू 14 कैरी बचा 1, 5 प्लस 8 इक्वल टू 13 प्लस 1 40, यानी हमारा आंसर जो है दोनों सेम है, राइट है। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है, जो नंबर हम फर्स्टली ऐड करते हैं वही नंबर जो है कि माइनस करना है नीचे के नंबर में। इसमें से मैंने 26 प्लस 4 किए तो 30 आ गए, ठीक है, 59 माइनस 4 कर दिए, 59 में से 4 माइनस किए तो 55 है, फिर इनकी एडिशन करनी है, इसमें से जो है कि प्लस करना है इसमें माइनस करना है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको बाकी की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लें। तो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 2.1 ये देखा है। ओके, तो इसकी जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है आपको होमवर्क में आने वाले हैं, तो आपके क्लास वर्क में आपको राइट डाउन करने हैं, लिखने आपके नोटबुक में, साथ में उसके फोटोज निकाल के मुझे सेव करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टॉप हियर, थैंक यू।